सदन के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने की उपराष्ट्रपति धनखड़ की तारीफ। साइबराबाद पुलिस ने मंगलवार को 17 लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़े देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस देह व्यापार में पुलिस ने 14,000 से ज्यादा लड़कियों को छुड़ाया। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केसीआर की बेटी को नया समन जारी। सीबीआई ने कहा कि वह 11 दिसंबर को उनके आवास पर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा में झंडों को लेकर नेताओं को फटकार। महासचिव बोले, केवल तिरंगा लेकर चले। 10 दिसंबर को यात्रा में राहुल के साथ केवल महिलाएं चलेंगी। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से वैन के उड़े पलखच्चे। ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे घर। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मिलिंडा गेट्स मुख्यमंत्री योगी से मिली। बोली, यूपी का कोविड प्रबंधन मॉडल दुनिया के लिए अनुकरणीय। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पीठ ने कहा, अदालत चुपचाप नहीं बैठेगी, सरकार को देना होगा जवाब। संसद के शीत सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी। बोले, हंगामे से बहुत नुकसान, सबको मिले बोलने का मौका। तमिलनाडु में वैन एक बड़े ट्रक से टकराया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, मुआवजे का आदेश। केशवपुरम जोन के वार्ड नंबर 64 से भाजपा प्रत्याशी योगेश वर्मा ने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।